भारत की रोशनी से सबका जीवन हो ब्राइट, आइए सब मिलके बॉयकॉट करते हैं चाइना की लाइट। आप कुछ कह रहे हैं? आप कुछ बनाएंगे तब तो दिखेगा ना। तो कैसे बने भारत? नहीं, आप भारतीय, हम कैसे बने? नहीं, आप मेरी बात सुनिए। हाँ हाँ, बिजनेस कोई ख़राब नहीं करना चाहता अपना। कस्टमर आएगा, हम ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं दूंगा, कोई दूसरा आके देगा उसे। मेरे दोस्तों, मेरा नाम राजू ओझा है, अ न्यू एज डिजिटल मीडिया न्यूजिस्तान में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, चीन लगातार गिद्ध दृष्टि हमारे देश पर लगाए हुए है। हमारे देश की ज़मीन हड़पने के लिए वो भरपूर प्रयास कर रहा है और इसका जवाब, माकूल जवाब हमारे भारतीय सैनिकों ने भी दिया और भारत के लोगों ने भी दिया। आपको पता होगा, हैशटैग बॉयकॉट चाइना गुड्स एक मुहिम चली थी सोशल मीडिया में और अनेक भारतीयों ने इसका साथ दिया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 54 चाइनीज ऐप को बंद करवाया। देशभक्ति से लबालब भारतीय आगे आए और चाइना की चीज़ों का बॉयकॉट करना शुरू किया। दिवाली का समय आप देख रहे हैं, दिवाली का समय आ चुका है, लोग चाइनीज़ लाइटों की खरीदारी कर रहे हैं या नहीं, इसकी जानकारी लेने आज हमारी टीम निकली है शहर सिल्लीगुड़ी की इलेक्ट्रिक दुकानों में। भाई साहब, आपका नाम? आर के अग्रवाल। अच्छा, आपको पता है कि दिवाली आने वाली है और कोरोना वायरस के कारण इस बार दिवाली थोड़ी बदल गई है, तो आपके यहाँ पर जो लाइटें बिक रही है, इसकी क्या डिमांड है, कैसा चल रहा है व्यापार? डिमांड तो सर, पहले जो अगले साल, हर साल जो होती है वो इस साल नहीं है, बहुत कम है। लोगों की मांग है कि हम इंडियन माल चलाएं, लेकिन इंडियन माल तो बहुत महंगा पड़ जाता है, बन भी नहीं रहा है। क्यों महंगा पड़ता है? क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा है, लेबर कॉस्ट ज़्यादा है। दिल्ली में जो है लेबर के कॉस्ट ज़्यादा है, हर आदमी खरीद नहीं सकता, इसलिए चाइनीज़ माल ही यहाँ पे आ रही है, बिक रही है। तो आप चाइनीज़ माल बेच रहे हैं? जी, कुछ बेच रहा हूँ। कस्टमर की मांग है कि हमें सस्ता माल चाहिए। तो आपको पता होगा कि भारत के कई लोगों ने चाइना की चीज़ों का बॉयकॉट किया था, एक मुहिम चलाई है, पर आप कह रहे हैं कि लोग डिमांड कर रहे हैं, ये बात सच है? बस बिल्कुल सही है, सस्ता है इसलिए मांग कर रहे हैं। लोग चाहते नहीं हैं कि हम चाइनीज़ माल यूज करें, लेकिन सस्ते की वजह से लोग खरीद रहे हैं। बेकार तो नहीं है, लेकिन क्या करा जाएगा, उपाय भी नहीं है इसके। तो आप चाहते हैं यहाँ बिक्री हो? जी, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। आप कुछ कह रहे हैं? बिजनेस कोई ख़राब नहीं करना चाहता अपना। कस्टमर आएगा, हम ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं दूंगा, कोई दूसरा आके देगा उसे। जो मांग रहे हैं लोग, तो हमें देना पड़ रहा है, सीधा सी बात है। आपके पास ये स्टॉक है या आप मंगवा रहे हैं नया? मंगवा के दे रहे हैं, मतलब माल अभी भी आ रहा है? जी, आ रहा है। दादा, ये बताइए, इस बार चाइनीज़ जो लाइट है, इसका डिमांड कैसा है? अगला साल जैसे मोटा मोटी। और जो एक मुहिम चली कि चाइना का सामान बॉयकॉट करना है, क्या उसका असर पड़ रहा है यहाँ सिलीगुड़ी में? अभी तक तो ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। भारतीय चीज़ में तो देखिए, उसका फिनिशिंग अच्छा नहीं है। लाइट का जो बाज़ार है, इंडियन लाइट ज़्यादा बिक रही है चाइनीज़? चाइना का माल देखिए, लाइट तो आपको इंडिया में, हम लोगों का ये लाइट तो कम ही बनता है, ज़्यादा तो बनता है चाइना का ही। रेट में क्या अंतर है चाइना और हिंदुस्तान वाली? चाइना वाला रेट में सस्ता रहता है, माल का क्वालिटी थोड़ा नॉर्मल रहता है, किंतु लाइट अच्छा रहता है उसका। ये सरकार कर सकता है, वो बंद, वो एकदम बिल्कुल बंद कर देगा, माल नहीं मिलेगा तो हम लोग नहीं लेगा, बेचेगा भी नहीं। बिल्कुल, इन्होंने एकदम सही बात कही कि सरकार ही अगर बंद कर देगी तो हम क्यों बेचेंगे। हाँ, मैन्युफैक्चर जब बंद हो जाएगा तो हम नहीं मिलेगा तो कहाँ से चलाएगा। और सुने, कस्टमर भी डिमांड कर रहे हैं? कस्टमर तो सस्ता में जो मिलेगा तो डिमांड करेगा ही। देखिए, ये इनका दर्द है, इन्होंने सही कहा कि कुछ गरीब व्यापारी हैं जो बेचारे 1-2 लाख का माल उठाएं, वो खाएंगे क्या करेंगे, कैसे मना रहे दिवाली? लाइट तो खरीदेंगे? इट्स नॉट अबाउट दिवाली, आई एम जस्ट गोइंग टू सेलिब्रेट क्रिसमस। ओ, क्रिसमस, सॉरी। अच्छा, तो आप लाइट तो लगा रहे हैं ना? या कौन सा, इंडियन या चाइनीज? एग्जैक्टली आई डोंट नो, आई जस्ट सी व्हिच वन इज गुड। तो देखिए, आपके ऊपर भी निर्भर करता है, आप भारत में रहते हैं, भारत की चीज़ को पसंद करेंगे या विदेशी चीज़ को? इंडियन ऑब्वियसली, क्यों नहीं, हम तो साथ में हैं। अगर नहीं, इंडियन सामान मिलेंगे तो खरीदेंगे, इंडियन खरीदेंगे, नहीं तो क्या करें, ऑप्शन तो यही है। घर जो है महिलाएं सजाती है, घर को नया रूप देती है, तो चलते चलते हमें कुछ महिलाएं मिल गई, इनसे भी बात करते हैं। भारतीय चाइनीज तो नहीं करूँगी। आपने कसम खा रखी है क्या? हाँ, कसम खा रखी है। लाइट खरीद रही हैं? हाँ जी। कौन सा, इंडियन है चाइनीज? कौन सी पता नहीं, चाइनीज का आ क्यों रहा, आने ही नहीं देना चाहिए, चाइनीज का माल आ क्यों रहा है। तो ये लाइट की जगह आप जो कुम्हार लोग का जो मिट्टी का बर्तन क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? वही करते हैं हम लोग, तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनको भी रोजगार मिले। हाँ, वही करते हैं, उनको भी रोजगार मिलेंगे और शुभ वही होते हैं। सरकार चाहता है तो ऊपर से आना बंद कर देगा तो इधर आएगा ही नहीं, तो अब माल भी नहीं आएगा तो बिकेगा भी नहीं। चाइना का पूरा बंद करो, इंडिया का माल बेचो। दिया खरीदेंगे? दिया क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि वी आर प्रमोटिंग इंडियन लोकल
लोकल फॉर वोकल इज मोर इम्पोर्टेंट राइट नाउ। सो मैंने आप भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं। yes, yes. पहले भी दिया का इस्तेमाल होता था, बरसों पहले, आज भी हो रहा है। इससे इन लोगों को रोजगार मिलेगा। यस यस, रोजगार भी मिलेगा। जो दिवाली नहीं मना पाते हैं उन लोगों का भी थोड़ा कुछ हो जाएगा ना, इसलिए आई थिंक वी शुड नॉट प्रमोट चाइनीज बिकॉज ये आप कह रहे हैं, लेकिन दुकानदारों का कहना कस्टमर मांग रहा है, हम क्या करें। हाँ, ऑब्वियस दिखावे के ही है सब, क्योंकि जो चाइना कर रहा है उसे हमें बैंड करना चाहिए। चाइनीज जितना भी प्रोडक्ट है वो हमें खरीदना ही नहीं है। मैंने हिंदी चीनी भाई ना, आई डोंट लाइक चाइना। यस, नो चाइना। तो देखिए, ये हमें एक मिले थे, हमारे मित्र कह लीजिए या शहरवासी कह लीजिए, जिनका कहना ये था कि भारतीय चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, और एक भारतीय होने के नाते जो आप विदेशी चीज़ें मांग रहे हैं, चाइनीज़ जो लाइट्स मांग रहे हैं, इनका बॉयकॉट कीजिए। और इन्होंने दिल से कहा है कि भाई मैं जब भी यूज़ करूँगा सिर्फ इंडियन थिंग यूज़ करूँगा, मैं मिट्टी के दिए यूज़ करूँगा, मैं उन लोगों को आत्मनिर्भर बनाऊँगा, गरीबों की ज़िंदगी में भी रोशनी फैलाने का काम करूँगा, और गरीबों की दिवाली भी अच्छी मने, ऐसी आशा लेकर के ये चल रहे हैं। और हर भारतीय को इस चीज़ का पालन करना चाहिए। जी हाँ, दिवाली के लिए दिया खरीदने आई हूँ। अच्छा, तो आपको पता है इस बार चाइना की चीज़ों का बॉयकॉट किया जा रहा है, क्या आप उसके साथ हैं? जी हाँ, मैं ज़रूर उसके साथ हूँ। जैसे कि अभी बहुत सारे ऐप भी बॉयकॉट कर दिया गया है, सबको वो कर दिया है, तो इसीलिए मैं भी अभी सब चाइना का चीज़ हम लोग सब फैमिली अभी बॉयकॉट कर रहे हैं। और यही इस बार हम लोग लाइट्स नहीं, ज़्यादा दिया जलाएंगे और रोशनी करेंगे। दिया है, आपको पता है कि जब राम जी आए थे तब भी दिया जलाया गया था। ये हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है, तो आप इस पहचान को कायम रख रही हैं? हाँ जी। ताकि इन गरीबों को भी कुछ मिले रोजगार, ऐसा आप क्या सोचती हैं इनके बारे में? जी, वोकल फॉर लोकल तो चल ही रहा है वैसे भी, तो हम लोग वही सपोर्ट कर रहे हैं अभी, हैंडमेड चीज़ ये सब वही सपोर्ट कर रहे हैं अभी। जी, तो दिवाली के लिए कोई संदेश? जी, सबको हैप्पी दिवाली, क्रैकर्स मत जलाइएगा। जैसे कि मोदी जी ने अभी हम लोग के स्टेट गवर्नमेंट ने भी वो जारी कर दिया है कि नो क्रैकर्स, हैप्पी दिवाली।